नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। दोस्तों, देश में अभी बहुत कुछ चल रहा है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार कई अहम फैसले ले रही है। इसी बीच आज पीएम मोदी ने भी एक अहम बैठक की है। अब इस बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए हैं, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वहीं बताएंगे दिल्ली सरकार ने किया बड़ा ऐलान, दिल्ली में बाहर से आने वाले हर व्यक्ति का होगा कोरोना टेस्ट, रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही मिलेगा प्रवेश। साथ ही बताएंगे बड़ी खबर, आगरा में 34 सवारियों से भरी बस को बदमाशों ने किया हाईजैक। वहीं अमेरिका में दिखा इतना भयानक आग का बवंडर, पहली बार जारी करनी पड़ी चेतावनी। खुशखबरी, सुशांत केस में जांच करेगी सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट ने पटना में दर्ज की एफआईआर को सही माना। इसी के साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे आपके राज्य में क्या है पेट्रोल डीजल के दाम, वही बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। साथ ही बताएंगे एसबीआई ने बदला अपना नियम, अगर नहीं दिया ध्यान तो हो जाएगा भारी नुकसान। वहीं 30 साल बाद आपको मिलेंगे 4 करोड़ रुपए, बस यहां करना होगा निवेश, जाने पूरी खबर। साथ ही बताएंगे वाव, एयरटेल का धांसू ऑफर, 129 और 199 रुपीस वाला प्लान अब पूरे देश में लागू। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही में वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पास में घंटी का जो छोटा सा बेल आइकन नजर आ रहा है उसे भी जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको दिन भर की खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ ही आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। इस महामारी से अभी तक 2.21 करोड़ से ज्यादा लोगों को संक्रमण हो चुका है, जबकि 7.9 लाख लोग से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा तबाही अमेरिका, ब्राजील और भारत में हुई। जी हाँ, भारत में अब तक संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 27,58,451 हो गई है। इसके अलावा 53,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि इसे ठीक होने वाले लोगों की संख्या 20,28,541 हो गई है। ये सभी मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। भारत के अलावा अमेरिका में 5,54,81,557 लोग और ब्राजील में 34,07,354 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोदी कैबिनेट की आज सुबह 10:30 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई फैसले हुए। बताया जा रहा है कि आज मोदी सरकार गन्ना किसानों को बड़ी राहत दे सकती है। FRP को 10 रुपए बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को PPP मॉडल की तरह लीज पर दिया जा सकता है। अधीनस्थ पदों के लिए CET कॉमन एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसियों को बनाया जा सकता है। साथ ही सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए मिशन कर्मयोगी अर्थात सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का ऐलान हो सकता है। बड़ी खबर, राजधानी में बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कोरोना टेस्ट होगा, रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। इसमें विभिन्न राज्यों से आने वाले मजदूर भी शामिल हैं, जिनके इन दिनों आनंद विहार बस अड्डे समेत अन्य स्थानों पर टेस्टिंग हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में विभिन्न बस अड्डों के साथ 250 डिस्पेंसरीज में कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि बसों के अलावा ट्रेन से भी लाखों लोग दिल्ली आ रहे हैं। इसमें बड़ा वर्ग मजदूरों का है। इसमें कुछ लोग पहले से ही दिल्ली का विभिन्न फैक्ट्रियों में कार्यरत थे, जो कि लॉकडाउन के कारण अपने अपने घर लौट गए थे, लेकिन अब वापस लौट आए हैं।
वहीं ताज नगरी आगरा में बुधवार को हथियारबंद बदमाशों ने सवारियों से भरी एक बस को हाईजैक किया। बस हाईजैक की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप हुआ। मिल रही जानकारी के अनुसार गुरुग्राम से मध्य प्रदेश जा रही एक प्राइवेट बस को बदमाशों ने हाईजैक कर लिया। ड्राइवर और कंडक्टर को उतारकर बदमाश बस को अज्ञात जगह ले गए। घटना बुधवार तड़के की है। थाना मलपुरा इलाके में प्राइवेट बस को हथियारबंद बदमाशों ने हाईजैक किया। बताया जा रहा है कि बस में 24 यात्री हैं। ड्राइवर और कंडक्टर की सूचना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। हालांकि बस की कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। यात्रियों से भरी बस को अगवा करने के लिए मामले में प्राइवेट बस के ड्राइवर और पुलिस श्रीराम फाइनेंस का नाम ले रहे हैं। खुशखबरी, सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की जांच का अधिकार सीबीआई को दिया। लंबे समय से सुशांत का परिवार और उनके फैन सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में दर्ज एफआईआर को सही ठहराया, साथ ही मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में जांच नहीं बल्कि सिर्फ पूछताछ की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को कहा है कि सभी दस्तावेज सीबीआई को दे दे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को बड़ा झटका लगा। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान में चीन की 2 कोरोना वायरस वैक्सीन के आखिरी फेज का ट्रायल होने जा रहा है। कैंसिनो कंपनी की वैक्सीन के ट्रायल के लिए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने मंजूरी भी दे दी है। tribune.com.pk की रिपोर्ट के अनुसार चीनी वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी देने की वजह से पाकिस्तान को ये वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर और सस्ते दाम में उपलब्ध कराई जाएगी। इतना ही नहीं, चीनी वैक्सीन के ट्रायल के लिए समझौता करने की वजह से पाकिस्तान में ही चीनी वैक्सीन के उत्पादन का रास्ता भी खुलेगा। चीन की कैंसिनो कंपनी फिलहाल चुनिंदा देशों में ही अपनी कोरोना वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल कर रही है। इसमें रूस, चिली, अर्जेंटीना शामिल है। दोस्तों, वीडियो में अभी बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आपके राज्य का मौसम का हाल। सुबह से ही दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी दिल्ली में अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। दिल्ली से सटे हरियाणा, पश्चिमी यूपी और राजस्थान समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। आयोग ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए जारी एक परामर्श में कहा, आने वाले दिनों में वहाँ भारी बारिश के अनुमान है। मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश में बुधवार और गुरुवार को भारी बारिश की चेतावनी है। परामर्श में गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के लिए कहा गया है कि वहाँ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 4-5 दिनों में भारी से बहुत बारिश होने की संभावना है। वहीं सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया। बीते 3 दिन में लगातार रेट में बढ़ोतरी के बाद आज इसमें ब्रेक लगा है। डीजल के दाम आज फिर स्थिर रहे। IOCL से मिली जानकारी के अनुसार 1 लीटर पेट्रोल की कीमत दिल्ली में 80.90 रुपए, कोलकाता में 82.43, मुंबई में 87.58, चेन्नई में 83.99 रुपए प्रति लीटर। तो वही डीजल की बात की जाए तो दिल्ली में 73.56, कोलकाता में 77.06, मुंबई में 80.11, चेन्नई में 78.86 रुपए प्रति लीटर। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका के जंगलों में आग लगी है। इसकी वजह से एक आग का बवंडर हाल ही में नजर आया। ये नजारा बेहद दुर्लभ होता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में लायंटन इलाके की एक घटना है। इसे लेकर इतिहास में पहली बार US नेशनल वेदर सर्विस ने चेतावनी जारी की। आग के बवंडर को फायर टोर्नेडो भी कहते हैं। ये नजारा अत्यधिक दुर्लभ होता है, बेहद कम देखने को मिलता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फायर टोर्नेडो बेहद गंभीर मौसम में देखने को मिलता है। ये पूरी तरह से आग से भरा होता है। इसके रास्ते में जो भी आता है वो जलकर पूरी तरह राख हो जाता है। इससे निपटना फायर फाइटर्स के लिए भी मुश्किल होता है। बड़ी खबर, SBI ने अपने ATM से निकासी नियमों में बदलाव किया। नए नियमों के तहत खाते में ज्यादा राशि नहीं होने पर अगर ATM से निकासी फेल हो जाती है तो SBI ग्राहकों को 20 रुपए जुर्माने के साथ GST का भुगतान करना होगा। SBI के अनुसार 1 जुलाई 2020 से बदले नियमों के अनुसार ATM से निकासी की सुविधा सीमित कर दी गई है। अब मेट्रो शहर में रहने वाले SBI के नियमित बचत खाता धारक 1 महीने में ATM से 8 बार ही मुफ्त निकासी कर पाएंगे। इनमें 5 बार SBI ATM और 3 बार किसी अन्य बैंक से ATM से निकासी शामिल है। मुफ्त निकासी की सीमा पार करने पर प्रत्येक निकासी पर शुल्क देना होगा। नए नियमों के अनुसार SBI ने गैर मेट्रो शहरों में अपने ग्राहकों को ATM से 10 मुफ्त निकासी की छूट दी। इनमें 5 निकासी SBI के ATM से किए जा सकते हैं जबकि 5 अन्य किसी बैंक के ATM से।
इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो एक ना एक दिन करोड़पति बन जाए, और अब वो गोल्डन चाबी आ चुकी है जिससे आप करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ, आप हर महीने कुछ रुपए निवेश कर करोड़पति बन सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना होगा। आपको बता दें कि निवेश के लिए म्यूचुअल फंड सबसे बेहतर और सबसे अच्छा तरीका है। इसमें आप SIP के जरिए निवेश करेंगे तो फायदेमंद साबित होगा। म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स के अनुसार आप 30 साल तक निवेश करके 4 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। SIP में हर रोज 100 रुपए निवेश करने की जरूरत होती है। इसके लिए आपको 30 वर्षों तक निवेश करना होगा। 30 साल के बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट 4,50,66,809 रुपए होगा। म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर के हिसाब से 30 साल में निवेश ने कुल 59,17,512 रुपए का निवेश किया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खुशखबरी, भारतीय एयरटेल ने अपने ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर दी है। कंपनी ने अपनी एंट्री लेवल 2 रिचार्ज प्लान्स को पूरे देश में लागू करने का फैसला किया है। एयरटेल ने 129 और 199 रुपए वाले रिचार्ज प्लान को पूरे देश में लागू किया है। बताते चले कि अब तक ये प्लान सिर्फ कुछ ही सर्कल्स में उपलब्ध थे। जानकारों का कहना है कि एयरटेल का 129 रुपए का प्लान अब तक कंपनी के सबसे पॉपुलर रिचार्ज पैक्स में से एक है। ग्राहकों को इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। इसके अलावा रोजाना 1 GB डेटा, 300 मुफ्त SMS की सुविधा। ऑफर यही खत्म नहीं होते हैं। एयरटेल इस प्लान के साथ ग्राहकों को मुफ्त हेलो ट्यून और विंक म्यूजिक सब्सक्रिप्शन भी देती है। साथ ही एयरटेल अपने एक्सट्रीम ऐप का एक्सेस भी देती है। इस प्लान की वैलिडिटी 24 दिन है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आप अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।